हेलो, कार्तिक इन्फो टेक्नोलॉजीज की नई होने वाली मालकिन कौन है? कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना। अरे यार, वो तुम ही तो हो। दिन में पी रखी है क्या? व्हाट्सएप चेक करो। आयशु, तेरा बॉयफ्रेंड तो बड़े से महल में रहता है यार। हे केयरफुल। देखो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सब इकट्ठा हो गई है। तुम क्या करोगी, कैसे करोगी, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा अल्टीमेट गोल बस ये है कि उसे किसी भी तरह से इम्प्रेस करना है। आयशु, तुम्हारा हीरो थोड़ा इमोशनल टाइप का है। उसे अपना दिल का हाल बताने के लिए एक लव लेटर लिखना होगा, इमोशन से भरपूर, वो भी ब्लड से। फिर देखना कैसे नहीं आता जाल में। सिंपथी वाला फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। ओके है ना? मैंने कहा था तुम अपने खून से लिखना। 3 stupid words के लिए मेरा 300 ml खून निकाल दिया। अब हमें कोई लेटेस्ट ट्रेंड का आइडिया सोचना पड़ेगा। लेटेस्ट ट्रेंड चाहिए? उसकी तो मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, अमीरों की एक कमजोरी है, भले ही वो कुछ भी ना करे लेकिन वो पार्टी किए बिना नहीं रह पाते। हम उसकी पार्टी में क्रैश एंट्री करेंगे, उससे बहुत पिलाएंगे, फुल टोटली करेंगे। फिर टिंग टोंग। क्या करना है वो भी मैं सिखाऊं। आयशु, क्या है ये तो देखो। रुको तो, कार्तिक भी रोज जॉगिंग करने जाता है, क्यों ना तुम उसकी पार्टनर बन जाओ। गुड मॉर्निंग। वाह टीना, तूने पहली बार सही आइडिया दिया है। हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग, हाउ अबाउट जॉइनिंग मी? ओके, इट्स माय प्लेजर। कम। आयशु, सीन परफेक्ट है ना? आइडिया ओके है, तुम दोनों बीच में मत आना। तो कल सुबह ही हम इस प्लान पर काम करेंगे। मॉर्निंग। हाय ब्रो। लगे रहो, लगे रहो। वो रहा शिकार। अब तुम अपनी स्पीड और एनर्जी लेवल कंट्रोल में रखना, उसे ओवरटेक मत कर जाना। ओके, नो ओवरटेक। शुरू करने वाला है कॉन्सेंट्रेट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। अरे खड़ी क्यों हो? गो गो गो। थोड़ा फास्ट भागो। हाँ, और फास्ट फास्ट। स्पीड बढ़ा स्पीड। क्या कछुए की तरह भाग रही है? और फास्ट फास्ट। वो आगे निकल रहा है। ओह नो। लाइफ में कभी भी भागने के लिए मत कहना। ओके आयशु, डोंट लूज हार्ट सो इजीली। हम लोग कुछ और सोचेंगे ना। यार, ये तुम लोगों की बस की बात नहीं है, मैं ये कुछ करती हूँ। एम आई ब्यूटिफुल? हाँ। मुझसे शादी करने वाला बहुत लकी होगा ना। सीन सेट। वो एक शादी अटेंड करने आएगा, जैसे ही तुम्हें क्रॉस करने लगे तुम कोरस में क्वेश्चन पूछोगी, Who's that girl? So beautiful. इससे जो भी शादी करेगा उसके लक का लॉक खुल जाएगा। क्यूरियोसिटी में वो मुड़कर देखेगा और मैं भी हीरोइन की तरह स्लो मोशन में टर्न मारूंगी। उसके बाद तुम फैन को मेरी तरफ घुमा देना, मेरे घने लंबे काले बाल हवा में लहराने लगेंगे। वो मेरी खूबसूरती देखकर मेरी आँखों में झांकेगा, मैं उसकी आँखों में झांकूंगी और वो मुझ पर मर मिटेगा। सपने देखना बंद करो, कहीं वो आके चला ना जाए। हे, वो आ गया। रेडी रेडी। आई कितना अच्छा दिखता है। ही इज सो हैंडसम। इससे जो भी शादी करेगा उसके लक का लॉक खुल जाएगा। यहाँ बैठ जाओ। हेलो। हेलो। You carry on, चलता हूँ। और बता? सब बढ़िया है। आयशु, टेंशन मत ले यार, वो तेरा ही है।
सक्सेस मिलने तक हम स्वीट डिश को हाथ भी नहीं लगाएंगे। खाना भी नहीं खाएंगे और स्वीट डिश भी नहीं। तुम नहीं, हम सब मिलके। हाँ। हे, वो स्टेज पर है। गर्ल्स, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। रेडी? ओके, ओके। कांग्रेट्स। थैंक यू। गणेश सर नहीं आ सके, उन्होंने मुझे भेजा। Who's that girl? So beautiful. इससे जो भी शादी करेगा उसके लक का लॉक खुल जाएगा। सॉरी सर, जिम में मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कांग्रेट्स मैम। माँ, मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों ले आई हो? ट्रेनिंग देने जाना है, जिम में लोग वेट कर रहे हैं। क्या कहा? वेट कर रहे हैं? हाँ। तुम्हारी कुंडली में बैठा शनि भी वेट कर रहा है। पैरों का नाप लेते हुए इस मंदिर के पूरे 3 चक्कर घूमो, उसके बाद ही तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी। पापा, 21वीं सदी में कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं क्या कहूँ, भला इनसे बहस कौन कर सकता है? ये जो कहती हूँ मैं सारी लाके हाँ कर देता हूँ। स्वामी, दिया इसके हाथ में दीजिए। इस तरह से तो लड़कियाँ पूजा करती हैं। आप कहें तो भाग के परिक्रमा कर लूँगा। जरा वहाँ नजर डालो। क्या ये लड़कियाँ बेवकूफ हैं जो मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं? ये अपने लिए अच्छे पति का वरदान मांग रही हैं। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो मुझे अपने लिए एक अच्छी बहू मिल जाएगी। इतना भी नहीं करोगे मेरे लिए? दिया बुझ जाएगा, जल्दी चलो बेटा, आओ। संभल के चलो, चलो चलो चलो। मुझे आंखें क्या दिखा रहा है? देखा आपने, पूजा अभी से असर दिखाने लगी है। सारी लड़कियां उसके पीछे घूम रही हैं। लग्जरियस लाइफ ही तो चाहती हूँ। एक छोटी सी डिमांड है, एक बड़ा पेंट हाउस, 2-3 फार्म हाउस, 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बस। प्यार तब होता है जब किसी को देखकर घंटी बजे, लगे कि यही मेरे लिए।
कल कुछ अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। जा उसका फोन लेके आ। उनका हाथ भारी पड़ गया तो? अरे उसका मोबाइल फोन छीन कर ला उससे। जा गो। हम भी तो देखे वो कौन है। गुलाब का फूल, इस फूल को कैसे मिला? इसकी सुंदरता में नमक है क्या? तेरे प्रेम में नमक है? कौन है ये फूल? नाम क्या है? आयशु है। आई सी यू ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय। रुक अभिषेक, अभी उसको फोन लगाता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं भी फोन मत करना प्लीज। एक मिनट सर। आयशु की लव स्टोरी आगे बढ़ने की खुशी में सब लोग बोलो ओ। हाय कार्तिक, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। मन कर रहा है कि अभी आओ तुम्हें गले लगा लूं। थामा, मैं वो नहीं हूँ। आपकी किसे सुन के बॉडी में करंट आ गया। छोड़ना। आयशु फोन स्पीकर ऑन है। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा नाम गणेश है। गणेश कौन? गणेश हेगड़े? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फ्रेंड, वी टीवी गणेश। सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा कार्तिक है। नहीं, ऐसी गलती बार बार करना, सिर्फ अगली बार फोन उठाकर थोड़ा रुक जाना। हेलो बोलकर साइलेंट पॉज, फोन करने वाला कोई भी हो सकता है। झंझनाहट होती है ना आपकी मुआ मुआ सुन के। इस पत्थर के दिल में बुलबुले उठाने वाली बुलबुल से एक बार रूबरू होना चाहता हूँ मैं। श्योर, बिल्कुल सर। कल तुम्हारे हीरो कार्तिक का बर्थडे है, अगर उसके लिए कोई सीक्रेट प्लानिंग की हो ना तो ट्रांसफर कर दो। कल की पार्टी मेरी तरफ से, ओके बाय। ओके सर, बाय। केक खाने का पहला हक इसका है, इसे खिला। अरे जरा प्यार से खिला। शाबाश, ऑल द बेस्ट। अरे बर्थडे गिफ्ट लेकर नहीं आई? लाई तो होंगी पर शर्मा रही है। क्या भाई? दे दो दे दो। हैप्पी बर्थडे। ओ दिखाओ तो। अरे रिंग 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 रोज़ेस। रिंग की सही जगह सजना के फिंगर में होती है, अब लाई हो तो पहना भी दो। बर्थडे वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना, एंगेजमेंट वाली फीलिंग आ रही है ना। एंजॉय। लगे रहो तुम दोनों। अब यहाँ क्या है, कल्टी मारो, एंजॉय करो, जाओ। अब केक खा। बाय बाय, कैरी ऑन। कार्तिक, जानते हो आज मेरी लाइफ का सबसे खास दिन है। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। एक बात कहूँ, तुम्हारा नेक्स्ट बर्थडे तुम्हारी वाइफ बनकर सेलिब्रेट करना चाहूंगी, ऐसा होगा ना? हे, मुझ पे यकीन है ना, ऐसा ही होगा। अपने घर वालों से बात करके उनसे मिलवाने ले जाऊंगा तुम्हें। तुम भी घर में बात कर लो। एक्चुअली मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। कार्तिक, 3 साल की थी, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, तब से मैं अनाथालय में ही पली बड़ी, वही पढ़ाई की, पूरी लाइफ अकेले रही। इस शहर में एक करोड़ आबादी है, लेकिन जब आंखें बंद करती हूँ ना, खुद को तना पाती हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं हूँ ना, एक पापा से ज्यादा, माँ से ज्यादा, उनसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। आज से हम दोनों मिस्टर एंड मिसेस कार्तिक हैं। अब तो खुश। आई लव यू।